जब मैं तेरह साल का था तो मेरे भूगोल के टीचर की वजह से आ, मैं आरएसएस के संपर्क में आया और मैंने अठारह साल की उम्र में आने तक पाँच साल का समय आरएसएस के साथ मेरा गुजरा और जब मैंने आए हुए साधु संतों को संघ के लोगों को ये कहा कि कार्यक्रम के बाद कि खाना खा लीजिए तो सेवा भारती के एक पदाधिकारी मुझे एक तरफ ले गए कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज बहुत विषम है और हम तो आपके साथ खाना खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं आपके साथ एक ही थाली में भी खा सकते हैं लेकिन ये जो साधु संत है इनके थोड़ा दिक्कत है तो वो दूसरे दिन खीर की केतली लौटाने के लिए आए क्योंकि हमने खीर पूरी बनाई थी तो खीर की कितनी लौटाने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मना किया गया लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से खाना जो गया वो खाया नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया है ये दलित मैनिफेस्टो है राजस्थान के अठारह प्रतिशत आबादी है राजस्थान में और ये मैनिफेस्टो एक सामाजिक न्याय यात्रा जो एक महीने तक चली सात हजार किलोमीटर का सफर तय किया और सौ जगह पे संवाद हुए पचास जिलों में उससे जो प्राप्त हमको जो सुझाव थे उसके बाद में ये मैनिफेस्टो निकल करके आया ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में हक चाहिए नमस्कार मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं भवर मेघवंशी सर आप लोग सभी जानते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है लेखक है पत्रकार है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जितनी जितना मैं उनको इंट्रोडक्शन देता जाऊँ और चीजें लंबी होती जाएंगी तो बातचीत शुरू करते हैं सर सर के साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया पर बहुत धन्यवाद साहिल जी सर आ, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आप सभी को पता आप राजस्थान से हैं तो उस बारे में बताएं कि आप आपका जन्म कहाँ पर हुआ और शिक्षा कहाँ से हुई अः मैं राजस्थान के जो दक्षिण राजस्थान है उसमें भीलवाड़ा एक जगह है वहाँ की मांडल तहसील के सिडियास गांव में जन्मा मेरा परिवार वहाँ बुनकरी का काम करता था खेतीहर लोग हैं हम और मेरे पिता थोड़ा राजनीति में भी थे और सामाजिक काम में भी रहे प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो हमारी गांव में हुई फिर पढ़ने के लिए भीलवाड़ा गए और कला और साहित्य की मैंने पढ़ाई करी और दो साल मैंने सरकारी स्कूल में शिक्षक के नाते भी काम किया पर मुझे लगा कि मैं शिक्षक के रूप में शायद अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम मुझे एज एक्टिविस्ट मैं अपने आप को देखता था तो फिर मैं उससे रिज़ाइन किया और फिर मैंने अपना जर्नलिस्ट और एक्टिविज़्म दोनों ही जर्नलिज्म और एक्टिविज़म का काम किया तो ये तो प्रारंभिक समय जो शुरू हुआ लेकिन जब मैं तेरह साल का था तो मेरे भूगोल के टीचर की वजह से आ, मैं आरएसएस के संपर्क में आया और मैंने 18 साल की उम्र में आने तक पाँच साल का समय आरएसएस के साथ मेरा गुजरा मैं गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक था कार्यवाह था फिर जिला कार्यालय प्रमुख बना पहली कार सेवा जो हुई उन्नीस में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए उसमें मैं हिस्सा लेने के लिए गया पहुंचा नहीं मैं अयोध्या टुंडला एक स्टेशन है आगरा और मथुरा के बीच में वहाँ गिरफ्तारी हुई मथुरा जेल ले जाया गया लेकिन मथुरा जेल में कोई जगह नहीं थी तो फिर आगरा ले गए वो लोग और आगरा के बहुदेशीय स्टेडियम में एक अस्थाई जेल बनाई गई उसमें मैं दस दिन रहा और फिर लौट करके वापस गांव गए अगली कार सेवा होने से पहले अगली कार सेवा जो उन्नीस सौ बानवे में हुई उससे ही उससे पहले ही नाइनटीन में मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो एक बड़ा अभियान किया गया आर एस की तरफ से मैं उसमें बहुत सक्रिय रूप से भागीदार था और उस दरमियान जो एक हमारा जलसा था भीलवाड़ा में हुँ. उस पर पुलिस का लाठीचार्ज हो गया फिर गोली बारी हो गई और उसमें दो लोग मारे गए संयोग से वो दोनों लोग हिंदू थे तो उनको शहीद बताया हालांकि वो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे उसको को लेना नहीं था उन सब चीज़ों से लेकिन दोनों ही मरने वाले हिंदू थे तो कहा गया कि ये राम जी के नाम पर शहीद हो गए तो वो लोग और प्लस जो अयोध्या में आ, मारे गए जो लोग थे उन सब का अस्थि कलश गाँव गाँव निकला मेरे गांव में भी अस्थि कलश आया और हम लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत वगैरह किया उन लोगों का फिर चूंकि शाम का समय था तो हमें लगा कि ये आखिरी कार्यक्रम है तो उनको खाना यहीं खाना होगा तो हमने अपने घर में खाना वगैरह बनाया उनके लिए मेरे पिताजी चूंकि इस विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट थे और मेरा आर में जाना उनको कभी पसंद नहीं था वो हर बार वो मुझे टोकते रहते थे लेकिन मेरा आर में मैं जब घुस गया तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी जो हैं वो शायद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेसियों को राष्ट्रभक्त संगठन पसंद नहीं है तो वो तो विरोध करते ही रहेंगे हमको इसमें रहना है तो जब ये खाना वाना बन रहा था तब भी उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं तुम्हारे लोग खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे तो मैंने उनको कहा कि आपको मालूम नहीं है हमारे संघ में कोई जाति वगैरह नहीं चलता है हिंदू हिंदू सब एक है तो उनका ठीक है अगर हिंदू हिंदू सब एक हो गए तो मुझे खुशी है तो खाना बनाया ये कार्यक्रम हुआ रात के वक्त में और जब मैंने आए हुए साधु संतों को संघ के लोगों को ये कहा कि कार्यक्रम के बाद कि खाना खा लीजिए तो सेवा भारती के एक पदाधिकारी मुझे एक तरफ ले गए कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज बहुत विषम है और हम तो आपके साथ खाना खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ एक ही थाली में भी खा सकते हैं लेकिन ये जो साधु संत है इनके थोड़ा दिक्कत है तो मतलब उनका ये था कि एक दलित के घर खाने में हमको दिक्कत है तो आप ऐसा कीजिए कि इस खाने को पैक करके दे दीजिए हम अगले गांव में खिला देंगे दे। तो मेरे लिए बड़ा सोकिंग था क्योंकि मैंने तो बड़े दावे के साथ कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ ये यह भेदभाव इसीलिए हो रहा है जाति की वजह से लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं दावा कर रहा था कि यहाँ छुआछूत नहीं है और ये छुआछूत अब हो रहा है मेरे ही साथ हो रहा है वहाँ पे तो मुझे भी लगा कि चलो पैक करके ले जाएँ तो पिंड छूटे यहाँ से घर वालों से तो कि उनको जवाब नहीं देना पड़े तो ये लोग पैक करके खाने को ले गए अगले गांव में पहुंचने से पहले एक मोड़ पर उन्होंने वो खाना फेंक दिया और वहाँ जा कर के एक ब्राह्मण जो वैद्य थे उनके घर में उन्होंने खाना बनवाया रात के वक्त में और खाना खाया इस यात्रा में मेरा एक क्लास फेलो पुरुषोत्तम शर्मा जो साथ चल रहा था और मैं उनका पड़ोसी भी था और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम कविताएं लिखते थे तो दोनों दोस्त थे तो वो दूसरे दिन खीर की केतली लौटाने के लिए आए क्योंकि हमने खीर पूड़ी बनाई थी तो खीर की केतली लौटाने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मना किया गया लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ से खाना जो गया वो खाया नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया था तो मुझे लगा वो मजाक भी कभी कभी होता है ना क्लास फेल होता तो मैंने कहा आप इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते मैंने कहा वो मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं खाया उन्होंने लेकिन वो फेंक नहीं सकते उन्होंने अच्छा, उस समय तक भी आपको ये लग रहा ना था मुझे मालूम नहीं था कि वो ले गए थे तो मुझे यकीन नहीं आया फिर हम दोनों दोस्त साइकिल लेकर के अपने घर से उस जगह पे गए जहाँ खाना फेंका गया और जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि वाकई वहाँ कुछ खाने के अवशेष हैं तो तब मैं फिर घर नहीं लौटा जहाँ वो यात्रा पहुंची थी वहाँ गया मैं और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्यों किया तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आपके यहाँ से बहुत स्वादिष्ट खाना आया हम सब लोगों ने खाया है तो तुम इनका ये पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं और पुरुषोत्तम मेरे साथ थे तो जब उनको यकीन हो गया कि भाई गवाह हैं और बात तो बाहर आई गई तो उनका नहीं नहीं खाना फेंका नहीं गया था वो जो जीप में लोग लेके बैठे थे पीछे की तरफ गाड़ी जब मुड़ी मोड़ पर तो उनके हाथ से खाना नीचे गिर गया अब नीचे गिर गया तो फिर कैसे खा सकते थे लेकिन खाना जहाँ फेंका गया वो सड़क के एक किनारे पे फेंका गया और गाड़ी के मुड़ने से मोड़ आगे था उससे भी पहले फेंका गया था तो वो बिल्कुल ऐसा एक बोगस तर्क था जो झूठ था पहली बात तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे झूठ बोल रहे थे कि हमने खाया स्वादिष्ट था ये वो सब था फिर मान भी रहे हैं तो ये नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने ये किया तो मैंने कहा कि मैंने उस क्षण सोचा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस हिंदू राष्ट्र में मेरी औकात क्या है मेरी जगह क्या है और दूसरा ये भी कि मैं अयोध्या जाकर के इनके लिए मरने के लिए तैयार था और ये मेरे घर का बना हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं किस जगह पे क्या काम कर रहा हूँ तो ये एक तरह का रियलाइजेशन था मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था और फिर मैं वहाँ से जब निकला तो मैंने ये तय किया कि मैं इनको एक्सपोज करूंगा और इनके जो असमानता का जो दोहरा व्यवहार है ये सबके सामने भी आऊँगा और मैं अपने लोगों को ये बताऊँगा कि ये किस तरह के लोग हैं आपको इनके साथ नहीं होना चाहिए तो मैं वो कहानी बताते रहता था व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को कुछ करता रहता था कुछ दिनों तक तो ये लोग मेरे से मिलते रहे समझाने की कोशिश करते रहे और मैं फिर हर एक जगह पे लिखने लगा मैंने उस कहानी को लिख करके एक अखबार में भी छपवा दिया मैंने उस समय के जो सरसंग चालक थे उनको चिट्ठी लिख दी कि आपके लोगों ने मेरे साथ ये किया तो ये सब चीजें चलती रही फिर मैं उनको चिढ़ाने का जो काम कर सकता था तो हमने कॉलेज में उनके ए के अगेंस्ट में एक संगठन खड़ा कर दिया विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ हमें लगा कि यहाँ इनको इससे चिढ़ होती है तो जनता दल के लोगों से हम उस समय मिलने लगे क्योंकि वो बीपी सिंह को जयचंद की औलाद कहते थे और उनसे बड़ा चिढ़ते थे तो हमने कहा इनसे बात करना चाहिए फिर मुझे लगा कम चिढ़ रहे हैं तो कन्वर्जन कर लेना चाहिए तो मैं क्रिश्चियन मिशनरीज ढूंढा मैंने कहीं से और फिर मैंने कहा कि इनके साथ कुछ करते हैं और वो बड़े डरपोक लोग साबित हुए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी जब उनको ये पता चला कि भाई क्योंकि मैं तो जब उनसे मिला तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे आर में था और मेरा उनके साथ पंगा हो गया और मैं उनको चिढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ तो उनको ये लगा कि ये कोई उधर का ही छुपा हुआ आदमी है जेंट है और ये हमारे अंदर आकर के हमारे चर्च को कुछ गड़बड़ करना चाहता है तो वो मैं मेरे घर पे उन्होंने मेरे रिश्तेदार के जरिए समाचार भिजवाए तो मेरे फादर को जब मालूम पड़ा है कि भाई मैं ये और कर रहा हूँ तो उनको बड़ा लगा कि भाई हमारी मर्जी के बगैर आर एस एस में गया ये भी ठीक है अयोध्या की तरफ गया वो भी ठीक है लेकिन ये और कौन सा पंगा है कि तो ये सब चीज़ें चली तो एक लंबा ये सब चला लेकिन फिर मैं 96 सिक्स आते आते फिर मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया उससे पहले बाबा साहब को मैंने पढ़ा आर एस एस में और आर एस एस के दत्तोपन ठेंगड़ी एक भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे और प्रचारक थे उन्होंने बाबा साहब पर एक किताब लिखी थी तो उन्हीं उन उसको पढ़ा तो उसमें तो ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ वो काम किए थे और आ, उनका ये मानना था कि डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे भगवत ध्वज को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे और आ, उनको हिंदू राष्ट्र से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने बुद्धिज़्म इसलिए स्वीकार किया कि वो हिंदू धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे ये सब बातें हम हम, हम 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 हमने जो बाबा साहब को देखा समझा उसमें पढ़ा वो कोई और बाबा साहब थे लेकिन फिर जब बाबा साहब की राइटिंग्स और स्पीचेस को उनकी ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ने का मौका मुझे मिला तब मुझे समझ में आया कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो जो कह रहे थे वो कुछ और था और एक्चुअल जो डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है वो कुछ और है क्योंकि रिडल्स ऑफ हिंदुज़म से लगा करके एन ऑफ कास्ट और ये सब किताबें पढ़ने का मौका मिला और उसी दरमियान में, में मेरा रामविलास पासवान जी से परिचय हुआ और मैं दलित सेना का काफ़ी कम छोटी उम्र का अध्यक्ष रहा उस इलाके में जिला अध्यक्ष और दो साल नाइन्टी से नाइन्टी तक मैंने उनके साथ काम किया तब वो रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने मुझे वेस्टर्न रेलवे का सलाहकार भी बनाया तो इस तरीके से फिर बाबा साहब के विचार के साथ हम थोड़ा आगे बढ़े और फिर नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन में, में मैंने एज ए स्कूल टीचर काम किया लेकिन मुझे लगा कि स्कूल टीचर वाला जो जॉब है वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है मुझे अपने समाज के लिए काम करना है तो 2000 में फिर मैं वहाँ से रिजाइन करके सरकारी शिक्षक के उससे और फिर मैं फुल टाइम आ गया फिर मैंने एक मैगजीन शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने सामाजिक काम शुरू किया अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया दलितों को आदिवासियों को जो नोमेडिक कम्युनिटीज़ हैं उनको फिर थोड़ा माइनरिटीज़ के साथ भी ह्यूमन राइट के मुद्दों के साथ भी फिर जो अधिकार आधारित कानूनों के निर्माण का काम था उसमें शिरकत की और फिर ये चलता रहा सिलसिला और अभी भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में मैं काम करता हूँ तो यही है छोटा सा परिचय सर आपने पूरी वो आपकी जर्नी बताई कि कैसे आप आपका परिचय हुआ फिर गए एक मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कैसे आर एस एस जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है मतलब जैसे कि वो आपको बहुत बाद में रियलाइज हुआ जैसे आपने बताया कि खाना जो है उन्होंने फेंक दिया था लेकिन जो शुरुआती दौर में जो उनको अपने अंदर अपने में से ही एक बनाने वाला जो वो उनकी टैक्टिक्स होती है वो किस तरीके से काम करती है देखिए आर पकड़ता है बहुत छोटी उम्र में उनका ये मानना है कि हम खाली कागज़ पे लिखना चाहते हैं मतलब तो कच्चे घड़े को हम बनाना चाहते हैं आकार देना चाहते हैं तो कभी भी बड़ी उम्र के लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि बड़ी उम्र के लोग अपना एक मानस बना चुके होते हैं और उनको डी लर्न कर, करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उनका पूरा ध्यान जो है वो दस साल आठ दस साल की उम्र के बच्चों पर रहता है वो वहीं से पकड़ना शुरू करते हैं और ये उम्र होती है कि आप खेलना पसंद करते हैं आप गाना गाना पसंद करते हैं आप व्यायाम करना पसंद करते हैं और आर का जो काम है शाखाओं में वो पब्लिक स्पेसेस जहाँ हैं आपकी पार्क हो सकता है या कोई मैदान हो सकता है वहाँ वो होते हैं और यही समय होता है जब बच्चे भी खेलने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो यही एक तरीका था जिसकी वजह से मैं भी उनमें आकर्षित हुआ और मैं भी वहाँ गया और दूसरा ये है कि उनके ज़्यादातर जो काम करने वाला काडर है वो लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं तो एक तो उसी उम्र के बच्चों पर उनका नजर होता है और उन्हीं के टीचर्स उनके पदाधिकारी होते हैं तो ये लगता ही नहीं आपको कि ये स्कूल के इतर कुछ है वो स्कूल का ही एक गतिविधि लगता है जैसे कोई आठ कालांश स्कूल में है और नवा पीरियड आप शाखा में गुजार तो ये अतिरिक्त कक्षा जैसा है फिर भारत माता की जय वहां भी बोली जा रही है स्कूल में भी बोली जा रही है वही राष्ट्रभक्ति की बातें जो आपको स्कूल में सिखाई जाती है और कई बार इतना गड्ढम गड्ढ हो जाता है कि जो आरएसएस की शाखा में गीत गाए जाते हैं वही गीत स्कूल में गाए जाते हैं तो आप डिफरेंसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या है कहाँ शाखा है और कहाँ स्कूल है स्कूली शाखा है या शाखा ही स्कूल है हुँ। जैसा चीजें चलती रहती है फिर थोड़ा और आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि दलित और आदिवासी या खासतौर पर मैं कहूंगा कि दलित बच्चे जो हैं क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते हैं सामाजिक परिस्थिति होती है तो उनको ये ये समझ एक दलित बच्चे को तीन चार साल की उम्र में आने लगता है कि वो नीचे दर्जे पे हैं अनटिचबल हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं होता है उनके बड़े बुजुर्ग को भी दूसरी कम्युनिटी का छोटा बच्चा भी कैसे भी पुकार सकता है गाली दे सकता है पीट सकता है तो वो जो गरिमा सम्मान का जो चाह है ज्यों ज्यों आप पढ़ रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि कोई आपको प्यार से सम्मान से रखे और जब पूरी सोसाइटी आपसे नफरत करती हूँ और आपको अपमानित करती हूँ वहां कोई एक स्पेस मिले आपको एक घंटे के लिए जहाँ आपको साहिल जी के, के कोई पुकार रहा हो तो आपको लगता है कि भाई ये तो ना तो घर में कोई ये सम्मान दे रहा है ना स्कूल में दे रहा है ये तो यही जगह है जहाँ इस उम्र में आपको कोई दस साल पंद्रह साल की उम्र में आपको जी कह कर पुकार रहा है आप कह के पुकार रहा है आपको मौका दे रहा है आप मुख्य शिक्षक बन जा रहे हैं आप कुछ और बन जा रहे हैं तो ये जो ये जो अवसर है ये धीरे धीरे और फिर आपको वहाँ एक बोलने का मौका होता है आपको पढ़ने की चीजें मिलने लग जाती है आपका अपना एक सर्कल बन जाता है तो आप महसूस करते हैं समथिंग स्पेशल जैसा और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं फिर और आगे बढ़ जाते हैं तो वही आपका सर्कल होता है आप किसी और को जानते नहीं हैं आपके इर्द गिर्द वही लोग होते हैं आपकी मदद करने लगते हैं कोई ज़रूरत होती तो चीज़ें होने लग जाती है मान लिया आप फिर कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज में उनका संगठन काम करता है वो आपको तिलक लगा करके घेट पे ही स्वागत करने आ जाता है फिर वो आपके और कोई मसले हैं तो उसमें मदद करता है ज़रूरत हुई तो ए आप में आपको क्लास प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा देता है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है आप दरअसल उसमें घुस जाते हैं और फिर घुसते चले जाते हैं घुसते चले जाते हैं घुसते चले जाते हैं और आपके अंदर एक प्राइड भी आ जाता है आप देखते हैं कि आपकी बस्ती में लोग ऐसे रह रे रहे हैं गंदे हैं देखो हम तो हम शाका हैं हम ये हो गए हैं हम आ, हम तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में धीरे धीरे ये बिठाया जाता है कि ये काम ईश्वरीय काम है और आपका चयन हुआ है ये इतनी जो भीड़ है इसमें आप कुछ हैं कि आपको इस काम के लिए चुना गया और वो एक आपकी इतनी आ, एक अपरिपक्व उम्र होती है कि आपके दिमाग में सीधा बैठता है और आपको लगता है कि हाँ शायद मैं ही हज़ारों लोगों में चुना गया हूँ या इस कम्युनिटी में एक मैं ही हूँ जो मुझे संघ के लोगों ने चुना है फिर आप उनके विशाल पथ संचलन देखते हैं उनके बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखते हैं उसकी नेतृत्व में जो लोग होते हैं ब्राह्मण बनिया वगैरह वगैरह उनके बड़े बंगले देखते हैं उनकी फैक्ट्रीज देखते हैं तो आप वेल्थ देखते हैं संख्या देखते हैं सम्मान देखते हैं मौके देखते हैं आपको लगता है भाई ये ठीक है ना इससे बढ़िया पैकेज आपके पास क्या हो सकता है तो आप उसमें बने रहते हैं और फिर चलते जाते हैं इसलिए आर एस एस से लोग बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वहां एक बार जो जाता है उससे निरंतर संपर्क और संवाद बनाने की उधर से कला है वो छोड़ते नहीं वो पकड़े रहते हैं आपको अस्पताल जाना है ब्लड की जरूरत है ये जरूरत है वो जरूरत है तो लगे रहेंगे आपके साथ काम करते रहेंगे तो आर जो है वो व्यक्ति की जरूरत और क्षमता दोनों को विश्लेषण करता है वो ये देख लेता है कि इस व्यक्ति की ये जरूरत है और इसकी ये क्षमता है।, है तो वो उसकी जरूरत की पूर्ति करता है और क्षमताओं का अपने लिए उपयोग करता है और फिर ये जो संबंध है ये आगे चलता जाता तो बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी अगर वहां है, रहे हैं और टिके हुए हैं उसका बड़ा कारण है कि उन्होंने और दुनिया देखी नहीं और खिड़की खोली नहीं उनको एक ही खिड़की खुली उसी में वो है और उनको लगता है कि यही विशाल दुनिया है और ये सबसे बड़ी चीज है तो ये एक बड़ा कारण है सर आ, अगला सवाल यह है कि एक नैरेटिव अभी कुछ टाइम से चलाया गया है या चल रहा है कि आ, दलित जो है वो फुट सोल्जर्स हैं हिंदुत्व के और मतलब आप जब वहाँ थे आप इसको कैसे देखते हैं कि वहां का माहौल और ये जो नैरेटिव है ये क्या मैच करता है या उसके अलग कुछ है देखिए दलित फुट सोल्जर हैं या ओ बी सी फुट सोल्जर हैं ये वक्तव्य बार बार आते रहते हैं हुँ. बात ये है कि आरएसएस में जो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी है उसके अलावा जो कोई भी है वो फुटसोल्जर ही है पूरी वर्णव्यवस्था में शूद्र जो है वो पद से पदा शूद्रो सुद्रा पदा जाए थे तो वो पाँव से ही पैदा हुआ है वो फूटी है उनका है। तो वो सोल्जर के रूप में तो सदियों से है इस सोसाइटी का जो सिस्टम है उसमें हम सेवक के रूप में ही काम करते रहे हैं तो यहाँ भी आकर के नेतृत्व में तो नहीं है हम फुट सोल्जर ही हैं मान लिया कोई अगर उसमें है तो वो पक्का ही ये मान के चलिए कि वो सरसंचालक तो नहीं है वो नए सह का सरकारी वाह है वो है कहाँ वो दरिए बिछाने वाला या शाखा लगाने वाला या दंगा फसाद में जाकर के भीड़ बढ़ाने वाला गाली खाने वाला गोली खाने वाला मारपीट झेलने वाला के रूप में वो काम करता है लेकिन ये कहना थोड़ा अतिरंजित बात है कि केवल दलित फुट सोल हैं फुटसोल्जर तो हमसे ज़्यादा बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग है वो बहुत बड़ी भूमिका में वहाँ निभा रहा है सारे लड़ाई झगड़ों से लगा करके और उस विचारधारा को आगे ले जाने में हमारे लोग तो अभी भी बहुत अगर कोई ऐसा थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है जिसने बाबा साहब को पढ़ा है या संविधान को थोड़ा भी समझता है तो वो उनके झांसे में कभी नहीं आता है आ भी जाता तो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर ये बात सही है कि कई सारे लोग अपना एक राजनीतिक वजूद देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनको लगता है कि शायद सायदारसेस एक प्रवेश द्वार है इधर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का ट्रेनिंग ले लो अपना पेंटा पेंट पहन पेंट करके टोपी लगा के घूम लो तो टिकट मिल जाएगा तो किसी को पार्षद बनना है किसी को विधायक बनना है किसी को एम बनना है किसी को और कुछ बनना है तो ज़रूर लोग अपने जो नस्त स्वार्थ हैं व्यक्ति के वो भी काम करते हैं इन सब चीज़ों में और फिर आप ये भी देखेंगे कि दलितों की कई कम्यूनिटियाँ जो हैं वो शहर में रहती हैं ट्रेडिंग के काम में है तो जो बाजार की दलित उपजातियाँ हैं उनका काम उनसे पड़ता है क्योंकि बाज़ार में वही ताकते हैं सामने बैठी हुई तो वो एक रिश्ता डेवलप हो जाता है उनको और वो धीरे धीरे फिर उसमें बढ़ने लगते हैं लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर मजदूर हैं ग्रामीण लोग हैं और जो बड़ी संख्या का जो समाज है देश भर का दलित उपजातियों में भी उनमें वो बड़ी सेंधमारी नहीं कर पाते हैं लेकिन चूंकि हमारे बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें तो ऊपर नीचे है ना हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि दलितों के भीतर कोई एक रूपता तो नहीं है वहाँ भी अंटचिलिटी है वहां भी एक दूसरे को ऊपर नीचे मान रहे हैं आ, अवसरों की जब बात आती है तो जो ज्यादा सक्षम लोग हैं वो ज्यादा चीजें ले जाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे समाज का एक हिस्सा है उसको हमारे साथ आना चाहिए तो जब आप उनको इग्नोर कर देते हैं जब छोड़ देते हैं आप राजनीति में भी आप ही लेना चाहते हैं नौकरियों में आप लेना चाहते हैं सामाजिक संगठन बने तो आप लेना चाहते हैं हर जगह आप ही आप दिखना चाहते हैं तो अंत में जो छोड़ दिए गए लोग हैं छूट गए लोग हैं हासिये पर रह गए लोग हैं वो फिर उनके साथ जाएंगे जो उनके पास जाएंगे आप अगर नहीं जाएंगे अगर मैं शहर की वाल्मीकि बस्ती में नहीं जाता हूँ एज अम्बेडकर राइट हो, होने के बावजूद तो फिर हिंदुत्व फोर्सेज जाएगी और उनके साथ लोग लगेंगे जी बिल्कुल या ये ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ लेकिन तमाम वो लोग हमारे गोमंतु समाज के बहुत सारे सम जातियाँ हैं जिनको हम गले नहीं लगाते हैं हम उनके साथ छुआछूत करते हैं हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं वो कहीं नज़र नहीं आते हैं पूरे हमारे डिस्कोर्स में तो वो छूट गए लोगों के प्रति अगर कोई और जो हमारा वर्गीय स्त्रु है वो अगर उनको रणनीतिक रूप से भी साथ ले जा रहा है प्यार दे रहा है और या कोई मौका दे रहा है तो लोग उसमें जाएंगे ये जो लोग जा रहे हैं उनकी गलती नहीं है और जो ले जा रहे हैं उनका भी गलती नहीं है ये उन लोगों की गलती है जिनको डॉक्टर अंबेडकर का विचार वहां तक पहुँचाना चाहिए मैं सोचता हूँ कि मेरी मैं जिस उम्र में आरएसएस के चपेट में आया अगर मेरे गांव में कोई बाबा साहब को पहुँचा दिया होता या कोई ये बता दिया होता है कि हमारा आइडियोलॉजी क्या है, है। कबीर कौन है बुद्ध कौन है रविदास कौन है फुले कौन है तो शायद उतनी कम उम्र के बावजूद भी मैं वहाँ नहीं जाता पर मैंने सुना ही नहीं था बाबा साहब का नाम आप सोचिए कि मैं बाकी सबको सुना मैं गांधी को जानता था मैं नेहरू को पटेल को सब कुछ मैंने सुना पढ़ जाना लेकिन सातवीं क्लास तक आते आते यही नहीं पता था कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है मैंने जब काम शुरू किया तो जब मैं अपने इलाके में जय भीम बोलता था तो लोगों को लगता था कि मैं पड़ोस में एक भीम कस्बा है भीम देवगढ़ और मैं चूंकि वहां रह था और मैं अपने इलाके में जाके काम करता था तो उनको लगता है अरे तुम भीम में रहने लगे तो भीम जय वहाँ की जय बोलने लगे तो उनको ऐसे तस्वीर बाबा साहब की ले जाके ले जाके गाँव को हमको बताना पड़ता था कि ये डॉक्टर अम्बेडकर है इनका नाम भीमराव अम्बेडकर है इनकी हम जय बोलते हैं ठीक है तो आप सोचिए कि ये फेलियर हमारी है दलित बहुजन मूवमेंट की कि हम अपने ही लोगों तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से दूसरे लोग आ रहे हैं और फिर हम कहते, हम कहते हैं कि ये फुट सोल्जर बने हुए हैं तो फुट सोल्जर हमारी गलती की वजह से बने हुए हैं। हमको अपना काम बढ़ाना चाहिए सर आपने बताया कि लोग पहचानते नहीं थे उनको लगता था कि आप जिस जगह से आ रहे हैं वही उसके अब जय बोल रहे इतने साल हो गए आपको काम करते करते अब क्या बदलाव आया देखिए जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि जय भीम के संबोधन को वो कैसे समझते थे पढ़े लिखे लोग चौदह अप्रैल मनाते थे इस कमरे जितने से छोटे कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटकनी बंद करके फुसफुसाने वाली आवाज़ में अम्बेडकर जयंती मनाते थे लोग बाहर निकल के जब उन्होंने मनाना शुरू किया तो जो माइक आगे ठेले पे चलता था उस पर रघुपति राघव राजा राम गाया जाता था क्योंकि मालूम नहीं था कि डॉक्टर तो अम्बेडकर के भी कोई गाने हैं आज मैं ये देखता हूँ ये मैं बात जो कर रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ 98 की 99 की आज मैं ये देखता हूँ कि कोई गांव नहीं है जिन गाँव में ये सब मैंने शुरू किया उन गाँवों में ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ आपको नीला झंडा या सील का झंडा नहीं दिखता हो लोग मिलने पे भले ही वो आपस में राम राम वगैरह कहते होंगे लेकिन हमसे जब मिलेंगे तो बहुत जोर से चिल्ला के जय भीम और नवोपोध्याय कहते हैं लोग बस में अगर मैं बस में ट्रेन में कहीं पे भी हूँ या इवन एयरपोर्ट पे भी कहीं लोग मिलते हैं पूरे गर्व के साथ जय भीम बोलते हैं और पूरे आवाज़ के साथ बोलते हैं फुसफुसाते हुए नहीं बोलते हैं बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं जगह जगह पे नौजवान पीढ़ी गमछा नीला लगा करके और चौदह अप्रैल को अपनी मोटरसाइकिलों से इधर से उधर रैलियां निकाल छोटे छोटे छुट गाँव में रैलियाँ छोटे छोटे गाँव में सभाएं कोई भी अन्याय अत्याचार हो जाता है तो उठ के खड़ा होना लोगों के साथ जाना मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े बदलाव की मैंने भी अपेक्षा नहीं की मुझे लगा कि शायद हमारी जिंदगी में ये उतना नहीं हो पाएगा हम शायद बाबा साहब को घर घर पहुंचा देंगे लेकिन कुछ तो सोशल मीडिया का मदद हो गया कुछ और चीजें हो गई कुछ नौजवान पीढ़ी आ गई हमारी जिसने इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया है कि अगर इसको सही दिशा रही तो जरूर हम जैसा सोचते हैं प्रबुद्ध भारत की जो हम कल्पना करते हैं उस दिशा में हम जा सकते हैं जी बिल्कुल सर आप राजस्थान से आते हैं एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम आए दिन खबरें जो हैं वो राजस्थान से देखते हैं चाहे वो इंद्र मेघवाल हो जितेंद्र मेघवाल हो तो ये सब खबरें जो हैं हमें आ, आ, मिलती हैं देखने को आप ग्राउंड पर इतने सालों से काम कर रहे हैं राजस्थान में अभी शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ही सामंती प्रदेश रहा पिछले एक डेढ़ हजार साल के इतिहास में राजस्थान में आपको कोई भी प्रतिरोध की आवाज़ नजर नहीं आती है वहाँ कोई कबीर नहीं है कोई रविदास नहीं है आ, कोई फूले नहीं है और बाबा साहब अंबेडकर के वक्त में भी कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं था शायद पूरे देश दुनिया में बाबा साहब घूमे लेकिन राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ बाबा साहब आए हों जबकि वो अहमदाबाद आए आगरा में उनके भाषण हुए दिल्ली तो वो इतना रहे दिल्ली से सर्वाधिक नज़दीक राज्यों में एक राजस्थान है लेकिन वहाँ पूरी तरीके से अम्बेडकरी चेतना का अभाव रहा है कोई प्रतिरोध की संस्कृति नहीं रही है वहाँ मंदाता, खमागनी कहने के प्रचलन रहे लोग हाथ जोड़ करके के रहते रहे भयंकर जातिवाद है आज भी हालात ये हैं कि कुछ जिले हैं जहाँ मंगलवार के दिन दलितों का चेहरा नहीं देखा जाता है आज की हालात में आपको ये कह रहा हूँ पांच सात जिले ऐसे हैं जहाँ अनबिलिटी दो साल पहले जितनी भयंकर स्थिति में है और क्योंकि बहुत भौगोलिक रूप से भी राजस्थान कहीं अरावली की पहाड़ियाँ हैं तो कहीं चंबल के एकदम दर्रे हैं तो कहीं रेगिस्तान है बहुत फैला हुआ जहाँ बीसियों किलोमीटर तक आपको कोई भी साधन नहीं मिलता है तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ और बहुत सारी कम्युनिटीयां दलितों के भीतर की अलग अलग जातियाँ उपजातियाँ इन सबको मिला करके वहाँ का परिदृश्य काफ़ी भयावह रहा है और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है अभी कुछ ही दिनों पहले दस दिन पहले कुमेर कांड का फैसला आया जहां पर सरकार ये मानती कि सोलह दलितों को 1992 में भरतपुर के कुमेर में जिंदा जला दिया गया था अभी फैसला आया है उसका तो घटनाक्रम अपनी ब्रुटिलिटी के साथ सदैव रहे हैं लेकिन चूंकि अब दलितों में नई पीढ़ी में वो असरसन आया है जहाँ वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है अगर कुछ भी उनके साथ होगा तो वो मामला दर्ज होगा वो घोड़ी पर चढ़ेंगे वो अच्छे कपड़े पहनेंगे मूछ रखेंगे अपनी बात रखेंगे तो जैसे जैसे आप खड़े होते हैं आप गुलामी को अस्वीकार करते हैं वैसे वैसे शोषक जो है वो भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ आप पर हावी रहने की कोशिश करता है तो ये एक बड़ा कारण है कि अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम बढ़े हुए प्रतीत होते हैं राजस्थान में चूंकि एफ दर्ज करना वो कर रखा है जरूरी कर रखा है कि हर मामले का एफ दर्ज किया जाएगा इसलिए भी आंकड़ा आपको दिखता है हालांकि अभी भी तीसरे नंबर पे हैं पहले नंबर पे मध्य प्रदेश से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है लेकिन राजस्थान की खबरें इसलिए सामने हैं कि वहां प्रतिरोध का मूवमेंट बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है हर घटना को तुरंत लोगों के बीच चीजें आ रही ऐसा नहीं कि देश के अन्य कोनों में नहीं हो रहा है लेकिन चीजें जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि एक लंबा जो गुलामी का दौर रहा उस गुलामी से बाहर निकलने की छटपटाहट है और गुलाम बनाए रखने की जो अकुलाहट है वो मिलकर के संघर्ष कर रही है जैसे अगर हम बाकी राज्यों को देखें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपने बताया कि उन पर जो है अगर मैं कहूं कि ओपोजिशन जो है तमाम बातें करती है कि फासिस्ट फोर्सेस काम कर रही है फासिस्ट स्ट्रेजी है ये है लेकिन जब हम राजस्थान को देखते हैं तो सिमिलर तरीके के जो है केसेस हमें मिलते हैं क्राइम के अट्रोसिटी के लेकिन उस पर क्यों बात नहीं होती है मुझे लगता है कि बात तो काफ़ी हो रही है ऐसा नहीं है कि नहीं होती है पर जिनकी सरकार होती है वो तो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बात करेंगे आप अगर देखेंगे कि राजस्थान में जो एट्रोसिटी का आंकड़ा इंक्रीज हुआ ये तो विपक्ष को ये समझना चाहिए कि अगर वो महज ये सवाल उठा लें कि हाँ हम ये मान रहे हैं कि एट्रोसिटीज बढ़ रही है लेकिन एट्रोसिटी करने वाले एक्यूज़ कौन से पृष्ठभूमि से आते हैं और आपको ताजुब होगा कि ज़्यादातर मामलों में जो एक्ूज हैं वो हिंदुत्व पृष्ठभूमि के लोग हैं इंद्र मेघवाल वाले मामले में और जितेंद्र वाले मामले में आरोपियों के पक्ष में जो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई उनके हाथ में झंडा कौन सा था भगवा नारा क्या था जय श्री राम जय भवानी जोधपुर में जिस दलित नाबालिग लड़की के साथ गेंगरेप हुआ वो रेपिस्ट एपी से जुड़े हुए लोग थे दो अप्रैल 2018 को जब दलित प्रतिरोध आंदोलन हुआ उस पर कई जगहों पे वी और आर के कार्यालयों से निकल करके लोग आए और उन्होंने हमला किया ये सब ऑन ऑन रिकॉर्ड है तथ्य है इसकी। तो बात ये है कि सरकार हो सकता है कि किसी एक पार्टी की हो लेकिन जो ये सब कर रहे हैं वो किस विचार के लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का कभी भी चर्चा नहीं किया जाता है ये इस सरकार में कम से कम आपका ये है कि एफआईआर दर्ज हो रही है ये है कि लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है कुछ तो सुनवाई है हमने भाजपा का वो समय भी देखा जब आपको एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हजार लोगों को मार्च निकालना पड़ता था जबकि एफ तो दर्ज होना ही चाहिए उसमें क्या दिक्कत है तो चूंकि ये एक एफ दर्ज करना जरूरी कर दिया इस सरकार ने उसके बाद से आंकड़े तो इंक्रीज होंगे अगर हर घटना का एफ दर्ज होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर घटना अगर रिकॉर्ड पर आती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसी से कानून का भय पैदा होगा कि एट्रोसिटी आप करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा मुकदमा में कार्रवाई कितनी होगी या नहीं होगी एक अलदा सवाल है लेकिन मुकदमा दर्ज होना भी आपकी नींद हराम कर देता है क्योंकि आपके खिलाफ एक मुकदमा है तो और ज्यादातर जो बड़े मामले हुए आप इन सारे मामलों में देखेंगे कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है डांगावास से लगा करके जितेंद्र और इंद्र और डेल्टा और तमाम मामलों में एक ढंग का ट्रायल हुआ है गिरफ्तारियां हुई है मुआवजे मिले हैं और लोग जेल गए हैं कई मामलों में सीबीआई जांच हुई है आप ये जो देखेंगे इकतीस साल बाद कुमेर का मामला जो आया उसमें दर्जनों लोगों को जिन्होंने जिंदा जला दिया इकतीस साल लग गए अब जाकर के उसमें फैसला आया कई मामलों में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अभी जो जो भी मामला हुआ चाहे थानागाजी में बलात्कार का मामला हो चाहे अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो गैंगरेप वाला मामला हो इन सारे मामलों में बहुत समयबद्ध रूप से चालान पेश हुए हैं चार्जशीट हुई है और उनमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं तो जब सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील होती है देखिए सरकार तो सबकी है उसमें सब तरह के लोग हैं उसमें अलग अलग लोभी काम करती है दबाव समूह काम करते हैं अगर हम अब सामाजिक रूप से बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं तो हम अपने काम भी नहीं निकलवा पाएंगे कोई दूसरा निकालेगा बिल्कुल तो हम केवल सरकार के भरोसे अत्याचार मुक्ति का कोई परियोजना मैं नहीं देखता क्योंकि उससे काम चलने वाला नहीं है इसमें कई पैमाने पर काम करना पड़ेगा यहाँ तक कि ये अत्याचार भी उस दिन बंद होंगे जब अत्याचार करने वाले लोग सेंसिटाइज होंगे नहीं तो वो करते रहेंगे और हम कानून का उपयोग करते रहेंगे तो ये तो बरसों बरस बरसों बरस चलता रहेगा ये इसका कोई अंत नहीं है और ऐसा समय पता नहीं कब आएगा जब हम पूरी तरीके से भेदभाव और अत्याचार मुक्त समय देखेंगे वो तो सपना है सर ये मैनिफेस्टो आप लेके आए हैं इसमें क्या क्या आपकी मांगे हैं और क्या क्या आप लोगों ने इसमें वो रखी है इसके बारे में ये जो राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग का जयपुर घोषणा पत्र जो आप देख रहे हैं ये दलित मैनिफेस्टो है राजस्थान के अठारह आबादी है राजस्थान में और ये मैनिफेस्टो एक सामाजिक न्याय यात्रा जो एक महीने तक चली सात हजार किलोमीटर का सफर तय किया और सौ जगह पे संवाद हुए पचास जिलों में उससे जो प्राप्त हमको जो सुझाव थे उसके बाद में ये मैनिफेस्टो निकल कर के आया ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि हमें हमारी आबादी के अनुपात में हक चाहिए इसका नारा है इसकी टेगलाइन थी हक है खैरात नहीं इसको कहा जा रहा है रेवड़ियां बांटी जाती है या है। ये सब कहा जाता है क्या रेवड़ियां बांटी जाती है किसी की जेब से रेवड़ी बांट रही है प्रधानमंत्री की जेब से आ रहा है मुख्यमंत्री अपनी जेब से देता है क्या ये हमारे टैक्स के पैसों से आप वेलफेयर स्कीम चलाते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो संविधान हमको अधिकार देता है इसलिए कर रहे हैं मुआवजा दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं उसमें ये हमारा हक है तो पूरा हिस्सेदारी हकदारी भागीदारी ये इस अभियान का एक महत्वपूर्ण वो रहा और इसमें एक निर्माण श्रमिक जो हमारे समाज का है उससे लगा करके हमारे जो आई एस आई पी एस वहाँ तक के तमाम लोगों के बारे में उनके मुद्दों पर उनकी मांगों पर सबको इसमें समाहित किया गया आप अगर इसमें ये देखेंगे तो इसका ये भी है कि हम में वंचितों में भी जो अति वंचित हैं वो हमारा इसमें लक्ष्य रहा है आप इसमें सफाई कर्मचारी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से देखेंगे हमारी घुमंतू कम्युनिटियाँ जो है दलितों में क्योंकि 32 कम्युनिटी राजस्थान में डी में है उसमें 28 कम्युनिटी जो है वो श्रीकास्ट में आती है तो उनके मुद्दों को हमने प्रमुखता से रखा आम जन के मुद्दों को रखा एट्रोसिटी के मुद्दों को रखा आर्थिक विकास के मुद्दों को रखा दलित विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप के मुद्दे हैं हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाने में जो स्कॉलरशिप चाहिए वो मुद्दे हैं अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नियुक्ति रोस्टर वो मुद्दे हैं सारी चीज़ों में हमने ये कहा कि हमारी जितनी आबादी है उस आबादी में हमको हर जगह सहभागिता चाहिए भागीदारी चाहिए वो आप अगर खनन पट्टे जारी कर रहे हैं तो चाहिए शराब के ठेके छोड़ रहे हैं तो चाहिए बजरी की लीज दे रहे हैं तो चाहिए अगर आप आ, ए पी पी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वहाँ से लगा करके सरकार में जो डबल ए जी बनते हैं वहाँ तक वकीलों की नियुक्ति करते हैं वहाँ हमारे को आबादी के अनुपात में हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए न, तो नौकरियां हो व्यवसाय हो राजनीति हो सब चीज़ों में हम अपनी भागीदारी मांग रहे हैं और ये कहते हुए मांग रहे हैं कि ये हमारा हक है ये कोई हम पे किसी की मेहरबानी नहीं है और जरिए हम ये भी कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के साथ जाने वाले नहीं हैं हमारा अपना एजेंडा है पॉलिटिकल पार्टियों को हमारे एजेंडे के साथ आना चाहिए और हमने साफ तौर पे कहा कि उनके मैनिफेस्टो में हमारे मैनिफेस्टो के लिए कितनी जगह है उससे हम तय करेंगे कि उनके लिए हमारे समाज में कितनी जगह होनी चाहिए तो 28 सितंबर को जब ये रिलीज किया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनके सामने ये बात की गई कि आपके मैनिफेस्टो में इसके लिए जगह होनी चाहिए दूसरा हम राजस्थान में एक सोशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं उम्मीदवारों की हमने एक कनेक्ट रूम बनाया है पार्टियां वार रूम बनाती है चुनाव में हमने कहा बुद्ध के लोग हैं हम वार नहीं बनाएंगे तो कनेक्ट रूम में सोशल स्क्रीनिंग चल रही है कि जो लोग हमारे खिलाफ हैं हमारे लोगों के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ हैं आप अगर देखेंगे तो एक कांग्रेस के विधायक ने एक वाल्मीकि समाज के हर्ष पति नाम के एक एक्सियन को इतना पीटा कि उनको बाईस जगह पे फ्रैक्चर हो गया वो एक साल से अस्पताल में हैं अभी भी ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं तो हमने इस बार तय किया कि जो दलित विरोधी है जिन्होंने एट्रोसिटी की है या जिन्होंने एट्रोसिटी करने वालों का साथ दिया है जिन्होंने हमारी ज़मीनें हड़पी है हमारे साथ भेदभाव किया है ऐसे लोगों को हम विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे हम खुल के विरोध करेंगे वो किसी पार्टी के हों तो सोशल स्क्रीनिंग चल रही है हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कनेक्टर अपना काम कर रहा है दो ही विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही है और ये चर्चा नीचे भी जा रही है दो विधानसभा में और ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमने 8 सितंबर को 8 अक्टूबर को नागपुर में एक मीटिंग भी की इंदौरा पार्क की मीटिंग से पहले हम आधा दिन बैठे वहाँ पे और 10 राज्यों के लोग शामिल लो हुए हुए उसमें और जनवरी फरवरी में हम एक नेशनल डॉक्यूमेंट भी इसका जारी करेंगे तो हम एक बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला रहे हैं कि हमारे लोग दलीय राजनीति में गए बगैर निर्वाचन की राजनीति में गए बगैर चुनाव लड़े बगैर कैसे इस पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं और कैसे वो एक प्रेशर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके जरिए वो अपने समाज के मुद्दों को आगे ले जा सकते हैं तो ये प्रक्रिया राजस्थान में जाए सर आपने बताया कि कुछ पार्टीज के लोगों को भी आपने बुलाया तो किस तरीके का वो दिखाया उनकी तरफ से कि भाई कितनी जगह कितने एग्री हैं वो इन मांगों पर देखिए हमने तो सारी पार्टियों को बुलाया हमने भाजपा को भी बुलाया बसपा को बुलाया असपा को भी बुलाया माकपा भाकपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबको बुलाया बीजेपी ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा बसपा ने आना उचित नहीं समझा असपा के लोग भी नहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग पहुंचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंचे मार्क्सवादी लेलिनवादी ले के लोग पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंचे और कांग्रेस के लोग पहुंचे जो पांच राजनीतिक दलों के लोग आए उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के लिए पूरी पैरवी करने की बात कही वो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स आए थे तो उन्होंने कहा कि उनका मैनिफेस्टो बनाने का काम जब शुरू होगा तो वो प्रमुखता से इन मुद्दों को वहां रखेंगे और उन्होंने पूरा वादा किया कि इसके जो प्रमुख बिंदु है ये तो बीस पेज का है तो पूरा बीस पेज का कोई नहीं लेगा लेकिन प्रमुख बिंदु जो है उसको वो लेंगे और हम न, निगरानी बनाए हुए हैं कि उनके मैनिफेस्टो आ जाए हम उनको एनालाइज करेंगे हम देखेंगे कि उन्होंने जो कहा वो किया या नहीं किया और जब उनके मैनिफेस्टो आ जाएंगे और मान लिया जिस भी पार्टी की सरकार आए फिर भी हम छोड़ने वाले नहीं है उसके बाद हम उसका पीछा करने वाले हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये जो कहा था उसकी बजट में घोषणा हुई कि नहीं हुई ये स्कीम बनी कि नहीं बनी और बनी तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुई कि नहीं हुई तो हमारा काम साहिल जी ऐसा है कि हम कुछ करके ऐसे हंगामा करके छोड़ना नहीं चाहते हम पीछे लगे, पीछे लगे रहेंगे पीछे लगे रहेंगे पीछे लगे रहेंगे और उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके जरिए हम अपने समाज को भी जागृत करना चाहते हैं अपने समाज का भी पॉलिटिकल प्रशिक्षण करते रहना चाहते हैं तो केवल हम पॉलिटिकल पार्टी को दिखाने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं हम अपने समाज का भी एक राजनीतिक शिक्षण कर रहे हैं कि वो भी समझे क्योंकि बड़ी उदासीनता आ गई लोग ईवीएम को लेकर के उदासीन है किसी और चीज को लेकर उदासीन है उनको लगता है कुछ होना नहीं है नहीं। आप अगर लोकतंत्र में निराश हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाती है और संविधान में विश्वास खत्म हो जाता है और हमारे पास और कोई चारा नहीं है लोकतंत्र के अलावा कोई तंत्र नहीं है जिसमें हमारे लिए कुछ जगह होगी और संविधान के अलावा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमको बचा सकता है तो वो भरोसा लोटे लोकतंत्र में वो भरोसा लौटे संविधान में ये हमारा काम है हमारे समाज को तैयार करें और पॉलिटिकल पार्टीज को हम अकाउंटेबल बनाएं जवाबदेह बनाएं और हमारी यहाँ ला करके कि आपको ये करना पड़ेगा ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है इस बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए तो आपका और बबीता जी का दोनों का बहुत धन्यवाद साहिल जी शुक्रिया आपने बात की और द तो वॉइस मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया